जब तक जान है ना, जब तक हमारी हिम्मत बनी रहेगी। वो जब तक सांसें नहीं निकाल लेंगे ना, तब तक हिम्मत नहीं टूट सकती। हिम्मत जब तक रहेगी लड़ाई लड़ेंगे, आखिर दम तक लड़ेंगे। भरत भूषण को जब तक अरेस्ट नहीं करवाया जाता, तब तक हम लड़ाई लड़ेंगे। वो गलत है, वो हमने फिनिश नहीं नहीं हमारे नाम से अमी, मैं बताती हूँ आपकी, मैं बात समझ गई। जो लेटर है मैंने ट्विटर पे भी इसी चीज को डाला, हमने कोई ऐसा कोई लेटर नहीं लिखा। अमी वही बोल रहे हैं कि बहुत सारे ऐसा सामाजिक तत्व जो बिगाड़ना चाहते हैं माहौल को, जो हमारे थ्रू कुछ भी चीजें पेश कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। अगर कुछ भी जाएगा तो ऑफिशियली जाएगा, हमारे अकाउंट से जाएगा या हम मीडिया के थ्रू, हम हमारे उससे बोले, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। कोई भी कुछ भी लिख के अगर कुछ भी कर देगा तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, हम कंप्लीटली उसको डिसएग्री करते हैं। देखिए जितने भी लोग समर्थन में आ रहे हैं, ये कोई आतंकवादी नहीं है, ना ये गोला बारूद लेके आ रहे हैं, ना ये कोई दंगा करने आ रहे हैं। सिंपल सीधे लोगों को, जो हमारे जितने भी हमारे दादा चाचा ही, हमारे सभी दादा ही है, हम सब के छोटे बच्चे ही हम, तो वो हमारे समर्थन में आ रहे हैं, हमारा दर्द देख के वो आ रहे हैं, उनको डिटेन करना वो दुख की बात है। हम खिलाड़ी यहाँ पे दुखी हो रहे हैं, हमारे परिवार वाले उधर दुखी हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस को खुद पे शर्म करनी चाहिए कि जिस बृजभूषण को वो बचाने में लगे हुए हैं, उसके ऊपर कार्रवाई ना करके हमारे लोगों पे कार्रवाई कर रहे हैं, हम पे कार्रवाई कर रहे हैं, तो शर्म की बात होनी चाहिए दिल्ली पुलिस के लिए। हम कड़ी निंदा करते हैं दिल्ली पुलिस की। मैं यही कह रही थी कि बहुत सारे अखाड़ों को रोका गया, उसके बावजूद भी हमारे समर्थन में इतने आ पहुंचे हैं कैसे भी करके, और जो नहीं आ पाए वो भी हमारे समर्थन में है। सारे अखाड़े सबको रोका जा रहा है, बहुत सारे को जैसे कि हमने बताया डिटेन कर लिया है और अभी तक भी नहीं छोड़ा गया। मेरे पास फोन कॉल आ रहे हैं कि हमें अभी तक नहीं छोड़ा गया, तो मतलब टॉर्चर ही हुआ। रात को 1 बजे पकड़ा था और अभी भी शाम के कितने बज गए कि अभी तक नहीं छोड़ा जा रहा, तो टॉर्चर ही है एक तरीके का। क्रिकेट से बड़ा मैं मानती हूँ कि ओलंपिक जो गोल्ड मेडलिस्ट है वो है हमारे देश में, वो कहाँ किसके समर्थन में बैठे हैं। मैंने क्रिकेटर्स का क्यों बोला था, क्योंकि पूरा देश उनको ऐसे सराखों पे बिठा के रखता, तभी तो हम बोलते ना ओलंपिक सपोर्ट को सपोर्ट करो, ओलंपिक स्पोर्ट्स जो है उसको आप प्रमोट करो, वो है असली हीरो ओलंपिक स्पोर्ट्स में। और कपिल देव जी क्रिकेट में बड़ा नाम नहीं है क्या? उन्होंने सपोर्ट किया है, वीरेंद्र सहवाग जी ने सपोर्ट किया है, जिनमें इंसानियत बची है, जिनमें ह्यूमिलिटी बची है, जो जिनकी आत्मा जिंदा है, जिनका जमीर जिंदा है, वो हमारे सपोर्ट में खड़े हैं आज। हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है, पहले भी बताया, हमारी लड़ाई बृजभूषण से है। और मैं तो आपके जब मुख्यमंत्री जी ने बोला है तुम मान लो, आप भी आइए, क्योंकि आप हमारे हरियाणा के मुखिया हैं, आप हमारे परिवार के सबसे बड़े आदमी हैं, आप आइए, आप भी सपोर्ट करिए, क्योंकि ये भारत की बेटियों का न्याय दिलाने का मामला है, तो आप क्यों नहीं आ रहे यहाँ पे? लास्ट टाइम जब कमेटी बन रही थी, तब तो हमारे मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे कि हम बच्चियों के साथ में अन्याय नहीं होने देंगे, साथ में है। जैसे ही FIR हो गई तो अभी वो साथ चला गया। जब हम मेडल जीत के आते हैं तब वो सम्मानित करते हैं, तब वो हमें मंच पे बुलाते हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारा गौरव है, ये बातें, तो वो गौरव आज सड़कों पे भटक रहा है, तो वो गौरव दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? तो बिल्कुल हमारी डिमांड है कि हरियाणा के जो CM है उनको संज्ञान लेना चाहिए हमारे मामले पे।